Hey everyone, welcome to my channel. This is your friend, your coach, Rubab. और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में. प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है और प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिम में. अगर आप जिम जाते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्यों है. सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है पहले ये समझ लेते हैं. प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है आपको अपने बॉडी को प्रोग्रेसिवली नए चैलेंजेस देने. नए से मेरा मतलब अलग अलग एक्सरसाइजेज नहीं, आपको सेम एक्सरसाइज में ही नए चैलेंजेस देने हैं. नए चैलेंजेस का मतलब है आपको एक्सरसाइज को डिफ़िकल्ट करना है ओवर टाइम, धीरे धीरे, है ना. मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मेरी यहाँ ट्रेनिंग फुटेज चलेगी आपके सामने कि मैं स्क्वाट कर रहा हूँ. तो अगर आप बिगिनर हो और आपने पहले कभी स्क्वाट नहीं किया तो शायद आप एम्प्टी बारबल से कुछ रेप्स लगा सको. अगर आपको फॉर्म आ गया है आपको करना कि कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे स्क्वाट लगाते हैं, तो आप एम्प्टी बारबल से मान लो 10 रेप्स करते हो. उसके बाद आपका आपके ट्रेनर या फिर आप खुद भी बारबेल में कुछ वेट्स ऐड करोगे और उससे 10 रेप्स लगाओगे और फिर कुछ वेट्स लगाओगे और फिर 10 रेप्स लगाओगे. ये एक तरह का सिंपल प्रोग्रेशन है ना, कि आपने पहले 10 केजीज लगाए और उससे कुछ रेप्स निकाले और फिर आपने 55 केजीज और लगा दिए या फिर 10 केजीज लगा दिया और उससे फिर आपने 10 रेप्स लगाए. तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना है तो अपनी बॉडी को हमेशा ओवर टाइम आपको नए चैलेंजेस देने पड़ेंगे, तभी आपकी बॉडी चेंज होगी या फिर अडेप्ट करेगी. तो सेम स्ट्रेस देने से क्या होता है, बॉडी चेंज नहीं होती. बॉडी को चेंज करने के लिए उसको मिलने वाले चैलेंजेस भी बदलने चाहिए एज इन प्रोग्रेस करने चाहिए. चैलेंजेस हार्ड होने चाहिए, धीरे धीरे चैलेंजेस हार्ड होते रहना चाहिए. तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ. सबसे पहला और सबसे सिंपल सा तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, आप वेट ऐड कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज में. आप वेट ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे स्क्वाट कर रहा हूँ और आपने पहला सेट 15 केजी से लगाया, दूसरा सेट 15 केजी से, मेरा मतलब है एक साइड 15 केजी, दूसरे साइड 15 केजी और एक बारबेल 20 केजी, है ना. तो 15 केजी कहना आसान होता है इसलिए. और आपने नेक्स्ट वीक क्या किया, 20-20 केजीज और बारबेल 20 केजीज से किया. और आपका तीसरा वीक का प्रोग्रेशन होना चाहिए कि आप 25 केजीज से 5 रेप्स लगाने की कोशिश करो, 25-25 और बारबेल. और अगर आप 25 से नहीं कर सकते हो तो आप 22.5 केजीज से भी ट्राई कर सकते हो. लेकिन आपका हमेशा मेन गोल यही होना चाहिए कि आपको हर वीक अपने आप को इम्प्रूव करना है. अगर हर वीक नहीं कर सकते तो हर दो वीक में इम्प्रूव करना है. और आपको हर एक्सरसाइज में इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. आप मेजर कंपाउंड लिफ्ट जो होते हैं, जैसे डेड लिफ्ट, स्क्वाट, ओवरहेड प्रेस, बेंच प्रेस, ये जो बड़ी लिफ्ट्स होती है जिसमें आप ज़्यादा वेट लोड कर सकते हो, वैसी लिफ्ट में आपकी बॉडी भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है. आप बेंच प्रेस में अगर आप 100 केजीज कर सकते हो तो आप डंबल में 50-50 केजीज नहीं कर पाओगे. तो अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आपका गोल होना चाहिए शुरू की दो एक्सरसाइज में ही फोकस करो. फोकस करो से मेरा मतलब है दो एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन के बारे में सोचो. फॉर एग्जांपल, मैं स्क्वाट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर रहा हूँ. तो मेरा अभी प्रोग्रेशन स्कीम है कि मैं पहले स्क्वाट की प्रोग्रेशन जहाँ तक ले जा सकता हूँ वहाँ तक लेके जाऊँगा. उसके बाद मेरा गोल होगा कि मैं वहाँ पे कुछ वीक तक उस प्रोग्रेशन को मेंटेन करके रख सकूँ. उसके बाद मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में प्रोग्रेशन बढ़ाऊँगा. जब मेरी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट की प्रोग्रेशन रुक जाएगी फिर मैं उसके बाद बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स की प्रोग्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करूँगा. इस तरह मैं हर वीक जो एक्सरसाइज मेरी प्रोग्रेस कर सकती है मैं उसमें प्रोग्रेस करूँगा, है ना. आपका गोल, अगर आप बिगिनर हो तब आप शुरू में तो बहुत सारी एक्सरसाइज में प्रोग्रेस कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ टाइम हो गया जिम गए हुए तो आप कुछ एक्सरसाइज में ही प्रोग्रेस करो. ये एक तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का. वैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के बहुत सारे तरीके. अगर आप बहुत टाइम से जिम कर रहे हो तो आप ऐसे वेट हमेशा ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है. तो आप क्या कर सकते हो, रेप्स बढ़ा सकते हो. आप जो भी सेट कर रहे हो, जैसे आपने स्क्वाट्स की 4 सेट की, तो आपका एम होना चाहिए कि चारों सेट में से एक सेट में आप एक से ज़्यादा रेप्स, एक या दो रेप्स बढ़ाने की कोशिश करो. फॉर एग्जांपल, मैं लास्ट सेट कर रहा हूँ स्क्वाट की जिसमें मैंने 125 केजीज, आई गेस, मुझे अच्छे से याद नहीं, तो मैंने शायद 125 केजीज से 3 रेप्स किए. तो मेरा नेक्स्ट वीक का गोल होना चाहिए कि मैं 4 रेप्स करने की कोशिश करूँ और उसके नेक्स्ट वीक 5 रेप्स करने की कोशिश करूँ. लेकिन एक टाइम के बाद हमेशा वेट और रेप्स बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है. तो आप क्या कर सकते हो, आप सेट बढ़ा सकते हो.
सेट का क्या मतलब हुआ, जैसे आपने पहले 70 केजी से पहला सेट किया 5 रेप्स, फिर 75 केजी से 5 रेप्स दूसरा सेट किया, फिर आपने 80 केजी से 5 रेप्स का तीसरा सेट किया, ये तीन सेट हुए। जब आप 80 केजी से ज़्यादा रेप नहीं लगा सक रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए एम, कि फिर से आप 80 केजी से ही चौथा सेट करो, एक सेट आपने बढ़ा लिया, ये दूसरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का तरीका हुआ। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तीसरा तरीका क्या है, आप टाइम अंडर टेंशन बढ़ा सकते हो। टाइम अंडर टेंशन कैसे बढ़ा सकते हो आप, बड़े कंपाउंड लिफ्ट में करोगे तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, आप आइसोलेशन में कर सकते हो या फिर छोटे कंपाउंड लिफ्ट, फॉर एग्जांपल बारबेल बैक स्क्वाट जो है वो बहुत बड़ी मेजर एक्सरसाइज है ना, उसमें आप टाइम अंडर टेंशन बढ़ाने के लिए आप स्लो जाओगे, नीचे स्लो पर आओगे तो वो बहुत टफ हो जाएगा, तो आप आइसोलेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हो इस स्कीम का। जैसे आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो जल्दी जल्दी, तो उसको स्लो कर सकते हो, टेम्पो थोड़ा स्लो कर सकते हो, है ना। हेलो पीपल, एडिटर हेयर। तो आप टाइम अंडर टेंशन का इस्तेमाल आइसोलेशन में कर सकते हो, ज़्यादा यूज़फुल होता है आइसोलेशन में, वैसे आप कंपाउंड में भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा टफ होता है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो। कुछ आइसोलेशन एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं फॉर शोल्डर्स, साइड लेटरल रेज, फॉर बैक केबल पुल ओवर्स, और चेस्ट के लिए पेक डेक फ्लाई, है ना, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप, मैंने जो चार पॉइंट्स बताई हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के, उसमें से कोई एक इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ टाइम तक प्रोग्रेशन मिलेगा, फिर आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो, तीसरा इस्तेमाल कर सकते हो, आप तीन प्रोग्रेशन स्कीम एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और कमेंट में आप फीडबैक भी दे सकते हो कि आपको वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। और ऐसे ही बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए पीस आउट।